नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खरगोन में चॉकलेट में नकली दांत निकले। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल ने शनिवार को दावा किया, एक बर्थडे सेलिब्रेशन पर उन्हें गिफ्ट में चॉकलेट्स मिली। घर उन्होंने चॉकलेट खाई तो उसमें दांत निकले। चॉकलेट के रेपर पर कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड कॉफी फ्लेवर लिखा है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने महिला से बातचीत करने के बाद चॉकलेट के स्थानीय रिटेलर से सैंपल लिए हैं। शहर की बैंक कॉलोनी में रहने वाली प्राचार्या माया देवी गुप्ता ने कहा, उन्हें चॉकलेट खाने का शौक है, लेकिन इस घटना से वो सहम गई। उन्होंने बताया, चॉकलेट चबाने पर कड़क लगी। पहले लगा ये चॉकलेट का ही क्रंची पार्ट होगा, दोबारा चबाकर देखा तो दांत हिल गए। मुंह से वापस बाहर निकाल कर देखा तो चॉकलेट मटेरियल के साथ चार नकली दांतों का सेट दिखाई दिया। इसमें दो दांतों में गैप थी, जिसकी बनावट हुबहू मानव को लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कैप जैसी थी। रिटायर्ड प्राचार्या आस्थाग्राम ट्रस्ट में फ्री सेवाएं दे रही हैं। वे यहां आवासीय बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने कई समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आते हैं। पिछले दिन ऐसे ही एक जन्मदिन पर उन्हें भी चॉकलेट मिली थी। उन्हें यह पता नहीं कि गिफ्ट किसकी ओर से आया था। प्राचार्या का मानना है, नामी कंपनियों की चॉकलेट में इस तरह की लापरवाही गंभीर है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आमजन को चाहिए किसी भी खाद्य सामग्री को ध्यान से उपभोग करें। यह सेहत से जुड़ा मामला है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली किसी सामग्री से स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है। खरगोन जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने चॉकलेट कंपनी के स्थानीय रिटेलर मेसर्स धन लक्ष्मी के प्रतिष्ठान से सैंपल लिए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर एचएल अवासिया का कहना है कि प्राचार्य से चर्चा की गई है, लोकल एजेंसी से सैंपल लिए हैं, विभाग की प्रयोगशाला में सैंपल भेजे जा रहे हैं, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक महीने पहले मुंबई में मलाड इलाके के 26 साल के डॉक्टर ब्रेंडन फेराओ ने ऑनलाइन ऑर्डर कर आइसक्रीम मंगाई। यम्मो कंपनी की 3 आइसक्रीम उनके पास आई। डॉक्टर ब्रेंडन फेराओ ने बताया कि जब वो बटरस्कॉच आइसक्रीम खा रहे थे तो उसके अंदर से इंसानी उंगली निकली। वो करीब आधा इंच की थी और उसके ऊपर नाखून भी था।